स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स, यानी फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं. तो देयर आर सम फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द एडजॉर्प्शन. फर्स्ट वन देखिए, नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट. अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस को भी अफेक्ट करते हैं. कोई भी जो केमिकल प्रोसेस होती है उसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करते हैं. तो हमने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एडजॉर्प्शन को डिस्कस किया था. तो एडजॉर्प्शन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, उनको वन बाय वन यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे. तो देखिए, फर्स्ट है इसमें नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट. नेचर और जो सरफेस एरिया है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. यहाँ पे नेचर की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात ये है, अगर हम यहाँ पे एडजॉर्बेंट लेके चल रहे हैं, एडजॉर्बेंट लेके चल रहे हैं, तो उनका जो अमाउंट है, उनका जो टेक्सचर है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो अलग अलग तरीके की होती है, तो वो अलग तरीके से अफेक्ट करेगी. यानी सिलिका है ना, या फिर हमने मान लो ली है एलुमिना, तो इनके जो एडजॉर्प्शन पावर होगी वो दोनों की अलग अलग होगी. इनका कंपेरिजन हम नहीं कर सकते. तो जैसे जैसे कंपाउंड डिफरेंट होता है उसी तरीके से इनका जो अमाउंट है एडजॉर्ब करने का वो अलग अलग रहेगा. मेन जो बात है वो सरफेस एरिया की होती है. जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा, यानी सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा. बस इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी एडजॉर्बिंग पावर अलग अलग होती है. वो उनके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करेगी. लेकिन जो मेनली सरफेस एरिया है वो इन्हें इफेक्ट करता है किस तरीके से. जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होगी. सेकेंड, नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब. अब गैस का नेचर देखते हैं हम यहाँ पे, जो एडजॉर्ब होने वाली है. यानी यहाँ पे देखिए, मैंने एक सीरीज बना के ऑलरेडी लिखी हुई है कि इस तरीके से जो अमाउंट है गैसेस का वो इंक्रीज हो जाएगा. एडजॉर्ब होने की जो पावर होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है. सबसे कम H2 की है, फिर N2, फिर ये इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे लास्ट में मैंने SO2 लिखा हुआ है. यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस. जो गैस जितनी इजीली लिक्विफाई हो जाएगी उसका एडजॉर्प्शन जो है उतना ही ज़्यादा रहेगा, उसकी एडजॉर्बिंग पावर उतनी ही ज़्यादा रहेगी. जितना इजीली लिक्विफाई होगी उतनी ही ज़्यादा वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, एडजॉर्ब हो सकती है. तो यहाँ पे जो स्मॉल, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बहुत ही लाइट होते हैं, उनको लिक्विफाई करना ज़्यादा मुश्किल होता है. बहुत टफ गोइंग रहता है ये टास्क, हम इन इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स को लिक्विफाई कर पाए. जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनको लिक्विफाई करना भी थोड़ा आसान हो जाता है. तो जितना इजीली लिक्विफाई होंगी गैसेस उतना ही इजीली क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा. अब बात करते हैं टेम्परेचर. अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है, जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो कैसे नेचर की होती है. एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक. कैसी? एक्सोथर्मिक नेचर की होती है. ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक नेचर की है तो मान लो कोई गैस है और ये किसी लिक्विड के साथ, गैस और लिक्विड जो है ये एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जा रहे हैं. ठीक है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है और ये प्रोडक्ट जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यानी एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो जा रही है. तो एक्सोथर्मिक नेचर की है तो यहाँ पे क्या चीज रिलीज होनी है, हीट एनर्जी रिलीज होगी. और हीट एनर्जी अगर यहाँ पे रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि गैस जब लिक्विड के साथ एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो हुई तो हीट रिलीज हुई, इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. डेल एच की वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव रहेगी. इस केस के अंदर अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ, एक कंडीशन तो ये है, अगर टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. टेम्परेचर देखिए, एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी को तो ये पहले ही रिलीज करने लग रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं. अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन को अनस्टेबलाइज कर रहे हैं. अगर अनस्टेबलाइज होगी तो ये कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं जाएगी, यानी जो एडजॉर्प्शन है उसमें डिफिकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा, एडजॉर्प्शन हमेशा डिक्रीज हो जाएगा. फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड, अगर टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा
तो जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर जितना लोअर होगा वो एडजॉर्प्शन को उतना ही ज्यादा फेवर करेगा, क्योंकि उसके अंदर हीट एनर्जी कम अमाउंट के अंदर रिलीज होगी, या फिर सिर्फ यही वाली हीट एनर्जी रहेगी, हम बाहर से सप्लाई नहीं कर रहे उसे, तो एडजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद बात करते हैं हम प्रेशर की, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा। तो प्रेशर जो है जितना ज्यादा होगा किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, प्रेशर जितना ज्यादा होगा जो एडजॉर्प्शन है उतना ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, अगर हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, तो क्या होगा, उतनी जल्दी वो लिक्विड सरफेस के ऊपर जाके एडजॉर्ब होगी, जितनी जल्दी एडजॉर्ब होगी उतनी जल्दी एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगी, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेंगे और हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यानी प्रेशर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करेगा, प्रेशर जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन प्रोसेस भी उतनी ही ज्यादा रहेगी, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है, प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एडजॉर्प्शन के, जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा एडजॉर्प्शन प्रोसेस भी उतनी ही अच्छे से होगी। अब बात आती है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे दोबारा से दे दिया है, जो एक्टिवेशन है सॉलिड एडजॉर्बेंट का उस पर देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। एक तो हमारे पास मॉलिक्यूल ले लिया, मैं इसे एक बार रब कर देती हूँ, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, एक बार देख ली उसे भी। देखिए एक तो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, इसके ऊपर एडजॉर्प्शन होना है, इसका एडजॉर्प्शन होना है। एक मेरे पास मॉलिक्यूल है इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे, ठीक है, चारकोल जो देखो एडजॉर्प्शन के लिए यूज किया जाता है, वो चारकोल के हम टुकड़े यूज नहीं करते, चारकोल पाउडर का यूज करते हैं, या फिर उस पर लिखा रहता है एक्टिवेटेड चारकोल। इसका मेन मकसद यही होता है कि जितने स्मॉल पार्टिकल्स रहेंगे उन सबका सरफेस एरिया, अपना अपना सरफेस एरिया होगा अलग अलग, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो उतनी ही ज्यादा रहेगी। अब अगर इतने बड़े साइज के हम एक दो पीस डाल देते हैं, टुकड़े डालेंगे, तो इनके सरफेस के ऊपर जो एडजॉर्प्शन है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर होगा, लेकिन अगर एक्टिवेटेड फोम के अंदर डाला, इसका क्या मतलब है कि अगर उसे पाउडर फोम के अंदर, स्मॉल पीसेस के अंदर, बहुत ही माइन्यूट पाउडर फोम के अंदर कन्वर्ट करके डाला हुआ है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही एडजॉर्प्शन प्रोसेस वहां पे इंक्रीज हो जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर जो एक्टिवेटेड चीजें हैं, जो एक्टिवेटेड कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा बेनिफिट देते हैं, उनके ऊपर एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो ज्यादा अच्छे से होगी। जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन अच्छे से होगा उतना ही अच्छे तरीके से, सॉरी जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा रहेगा। तो सरफेस एरिया यहाँ पे मैटर कर रहा है। ये कुछ फैक्टर थे जो हमने डिस्कस किए हैं अभी, इन्हें अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाओ।